कोरबा एकमात्र ऐसी सीट रही जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। ज्योत्सना महंत यहां से पहले भी सांसद थी और फिर से एक बार प्रत्याशी उनको बनाया गया और उनको बड़ी जीत मिली है। तो वही कांग्रेस का जो बीजेपी का जो सपना था 11 की 11 सीटों को जीतने का, कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने उस सपने पर पानी फेर दिया। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें छत्तीसगढ़ की उस खबर के बारे में भी जो कि आरक्षण से जुड़ी हुई खबर है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद शहर सरकार को लेकर हलचल शुरू हो गई है और इधर भाजपा ने बैठक कर नगरीय निकाय चुनाव पर चर्चा की शुरुआत कर दी है। तो आरक्षण का मुद्दा भी अब फिर से एक बार खबरों में है। तो वही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस भी अब सभी निकायों में वार्ड स्तर पर जाकर बैठकों की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में साल के अंत तक चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर पालिका निगमों, 48 नगर पालिकाओं और 122 नगर पंचायतों में चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से निकायों में चुनाव कराया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भाजपा सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा सकती है। यही वजह है कि निकाय चुनाव की आहट काफी पहले ही सुनाई देने लगी है। चुनाव को लेकर भाजपा ने जहां प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शुरुआती रणनीति तैयार की है, वहीं ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव रहने को कहा है। इतना ही नहीं, भाजपा से महापौर की टिकट से संभावित दावेदार भी फील्ड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्षों को निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रत्यक्ष चुनाव की संभावना को देखते हुए छत्तीसगढ़ के 14 नगर पालिका निगमों, 48 नगर पालिकाओं और 122 नगर पंचायतों में चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। पिछली बार कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से निकायों में चुनाव कराया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि भाजपा सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा सकती है। यही वजह है कि निकाय चुनाव की आहट काफी पहले ही सुनाई देने लगी है। चुनाव को लेकर भाजपा ने जहां प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में शुरुआती रणनीति तैयार की है, वहीं ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव रहने को कहा है। इतना ही नहीं, भाजपा से महापौर की टिकट से संभावित दावेदार भी फील्ड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी जिला अध्यक्षों को निकाय चुनाव की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रत्यक्ष चुनाव की संभावना को देखते हुए कांग्रेस से भी मेयर की टिकट पाने की इच्छा रखने वाले नेता सियासी जमीन तैयार करते नजर आ रहे हैं। साथ ही दोनों ही दल यह दावा भी कर रहे हैं कि पूरी मजबूती से न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीत भी मिलेगी। कांग्रेस के दावे खोखले कहना है तो कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। एक राजनीति के क्षेत्र में जब हम जनता के बीच में जाते हैं, कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ सत्यता के करीब होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि 100% सत्य हो, लेकिन सत्यता के करीब होना चाहिए। केवल कहना तो कह दिए कि होगा, तीनों के तीनों हार गए जो उनके भी जहां भी उपचुनाव की बातचीत थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस स्तर पर जाए, लेकिन हमारी तैयारी प्रारंभ हो गई है, चर्चाएं चालू हो गई हैं। बस जैसे ही शपथ ये कंप्लीट होगा फिर से हम वापस आकर प्रदेश के अंदर में इस तैयारी करेंगे। लेकिन उस उपचुनाव के साथ साथ मैंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस चुनाव की भी तैयारी हम प्रारंभ कर दिए हैं। तो मुझे लगता है उस विधानसभा उपचुनाव को भी जीतेंगे और इस बार नगरीय निकाय के चुनाव भी हम जीतेंगे। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी तैयारियां शुरू हो गई है। हमने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है प्रदेश मुख्यालय से कि हर एक वार्डों की बैठक आयोजित की जाए और जो लोग सक्रिय हैं उनकी सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम भी घोषित किया है। आज CWC की दिल्ली में बैठक है, वरिष्ठ नेतागण दिल्ली गए हैं। उनके आने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की भी बैठक होगी और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में हम और ज्यादा बेहतर करेंगे इस दिशा में पूरा। छत्तीसगढ़ में भाजपा इस समय विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित है, जबकि दोनों ही चुनावों में हार से कांग्रेस में हताशा का वातावरण है। ऐसे में अब यह देखना है कि चुनाव तक पार्टी इससे कितना उबर पाती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।